अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उर्दू जुबान की पांचवी किताब का सबक नंबर 23, मतलब 23, और चैप्टर का नाम है अरस्तु। अरस्तु, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और आपने अभी तक हमारे पिछली वीडियो नहीं देखे हो तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर भी पिछली सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरस्तु नंबर वन। अरस्तु मुल्क यूनान के नामी गिरामी हुक्माए में से था। अरस्तु मुल्क यूनान के नामी गिरामी हुक्माए में से था। इसको दुनिया से उठे हुए 3200 वर्ष हो गए। इसको दुनिया से उठे हुए 3200 वर्ष हो गए, मगर इसका नाम हुनूस जिंदा है। मगर इसका नाम हुनूस जिंदा है। इसके बचपन की हालत से न खुद उसको और न और लोगों को पाक तौका थी। इसकी बचपन के हालत से न खुद को खुद इसको और न लोगों को पाक तौका थी कि वो दुनिया की तारीख में ऐसा बड़ा शख्स होगा कि वो दुनिया की तारीख में ऐसा बड़ा शख्स होगा क्योंकि दायल उम्र में वालिदैन के जल आतफत से महरूम हो चुका था। क्योंकि वायल उम्र में वालिदैन के जल आतफत से महरूम हो चुका था। कोई ऐसा मर भी मौजूद न था, कोई ऐसा मर भी मौजूद न था जो इसकी तरबियत का कैफियत होता, जो इसकी तरबियत का कैफियत होता। इसलिए बचपन का जमाना लहुआब में गुजरा। इसलिए बचपन का जमाना लहुआब में गुजरा क्योंकि 8 बरस की उम्र से उलमाए तरफ बखूबी सागोगर्दी अख्तियार की और 17 बरस की उम्र तक शराफ फशाह की खिदमत में रहा। इसके बाद लौम हुकूमत का शौक पैदा हुआ, लेकिन 8 बरस की उम्र से उलमाए शरम में बखूबी सागर्दी इख्तियार की और 17 बरस की उम्र तक शराब फशा की खिदमत में रहा। इसके बाद आलम हुकूमत का शौक पैदा हुआ। नंबर दो। इन्ना अय्याम में अफलातून का सहरा था। इन्ना अय्याम में अफलातून का सहरा था, मगर इस गरीब को अपनी दस्तगाह कहाँ थी। मगर इस गरीब को अपनी दस्तगाह कहाँ थी कि ऐसे आली रुतबे हकीम के शागिर्दों में दाखिल हो सके, कि ऐसे आली रुतबा हकीम के शागिर्दों में दाखिल हो सके। हसने इत्तेफाक से अफलातून को एक शहजादे की तालीम का नाम सुपुर्द हुआ। हसने इत्तेफाक से अफलातून को एक शहजादे की तालीम का काम सुपुर्द हुआ। अरस्तु ने इस शहजादे की खिदमतगारी सिर्फ इस अर्ज से अख्तियार की कि
अफलातून की तालीम से फैज़ पाने का मौका मिले। अरस्तु ने इस शहजादे की खदमतगारी सिर्फ इस गरज से अख्तियार की कि अफलातून की तालीम से फैज़ पाने का मौका मिले। अगरचे शहजादे के औकात दरस्त में खिदाम के ज़ाहिर रहने की इजाज़त थी, अगरचे शहजादे के औकात दरस्त में खिदाम के हाजिर रहने की इजाज़त न थी, क्योंकि इस अहद में आम लोगों से अलमी मशाइल के मख्फी रहने का दस्तूर था। मगर ये इल्म का शैदा किसी गोशा में लगा रहता और अफलातून का दरस हुरूफ वरब सुनता और याद रखता और अफलातून का दरस हुरूफ वरब सुनता और याद रखता लेकिन इसका मखदूम ऐसा कंधा नातराश था लेकिन इसका मखदूम ऐसा कंधा नातराश था कि उस्ताद की तमाम शई इस पर रायगा जाती थी कि उस्ताद की तमाम शई इस पर रायगा जाती थी। नंबर 3, बिला आखिर शहजादे के इम्तिहान का वक्त आया। और लिबास फाखरा पहना कर मजमा अलमाए में लाया गया दस्तूर के मुताबिक उस्ताद ने इजाज़त दी कि बुलंद मजबर के ऊपर मनवर के ऊपर चढ़कर अमली मशायल बयान करे लेकिन नालियाकती के खौफ और मजमा फजाला के अरब ने इसका बदन थरा दिया यहाँ तक कि जबान से एक हुरूफ भी न निकला उस वक्त अफलातून ने अपने खफ्त मिटाने के लिए जलसा के रूबरू शहजादे की परेशानी खातिर का अजर करके अपने शागिर्दों की तरफ इशारा किया कि तुम में कोई ऐसा है जो शहजादे की तरफ से तकरीर करे लेकिन सब खामोश। जब अरस्तु ने मजलिस का ये रंग देखा तो अपने आका की जानिब से तकरीर करने का आमादा हुआ और अफलातून से इजाज़त चाही मगर इसकी दरख्वास्त पर कुछ इल्तफात ना हुआ
मगर इसकी दरख्वास्त पर कुछ अल्तफाक न हुआ जब तक इसने मकर्राज न किया, जब तक इसने मकर्राज न किया। अर्ज कई बार अल्तमास करने के बाद इसको इजाजत मिली। अर्ज कई बार अल्तमास करने के बाद इसको इजाजत मिली तो वो नहायत दलेरी से मनवर पर चढ़ा और ऐसी उम्दा तकरीर की कि शामई दंग हो गए और सब ने तहसीन व आफरें की सदा बुलंदी की ये कैफियत देख कर अफलातून ने बादशाह के हुजूर में अर्ज किया कि मेरी तालीम में कुछ कसूर न था इल्ला काबिलियत के फ़र्क ने खादिम को मखदूम बना दिया नंबर 5 अलकशा अरस्तु की जहानत जकावत देख कर अफलातून ने इसके हाल पर नहायत तवज्जा की। अलकशा अरस्तु की जहानत जकावत देख कर अफलातून ने इसकी हाल पर नहायत तवज्जा की और इसको इल्म अखलाक और इल्म तबी और इल्म इलाही की तालीम दी यहाँ तक कि अफलातून ने तमाम शागिर्दों में मुमताज हो गया यहाँ तक कि अफलातून के तमाम शागिर्दों में माजरो मुमताज हो गया चुनांचा अफलातून की रहलत के बाद कोई हकीम अरस्तु का हमसर व हम रुतबा न था चुनांचा अरस्तु की रहलत के बाद कोई हकीम अरस्तु का हमसर व हम रुतबा न था। नंबर 6 जब मकदूनिया के बादशाह फैकुश को अपने बेटे सिकंदर की तालीम व तरबियत के लिए अतालीक की ज़रूरत हुई तो इसने अरस्तु को उस बड़े काम का अंजाम देने के लिए मुंतखब किया और सिकंदर ने इससे तालीम पाई जब सिकंदर ने तहत नशीन होकर एशिया पर लश्कर कसी की तो अरस्तु ने इसके साथ जाने से अजर किया और अपने एक अजीज को इसका मशीर बनाकर भेजा और अपने
एक अजीज को इसका मुशीर बनाकर भेजा भेज दिया। खुद दरस व तदरीश में मशगूल रहा, खुद दरस व तदरीश में मशगूल रहा और 62 बरस की उम्र में इंतकाल किया। और 62 बरस की उम्र में इंतकाल किया। 7 अरस्तु अगरचा नेकी और अखलाक में अपने उस्ताद अफलातून का हम पिल्ला न था। अरस्तु अगरचा नेकी और अखलाक में अपने उस्ताद अरस्तु का हम पिल्ला न था, मगर इल्म व फजल में उस्ताद पर फोक ले गया था। मगर इल्म व फजल में उस्ताद पर फोक ले गया था। इसी वास्ते हुक्माए ने इसको मालूम अव्वल का लकब दिया है। इसी वास्ते हुक्माए ने इसको मालूम अव्वल का लकब दिया है।